देखो मैंने यही कहा ना कि थोड़े थोड़े माइनर वेरिएशंस भी हैं कुछ, एक तो पहली बात, फिर ये कि बाज लोग ठीक तरीके से फॉलो भी नहीं करते, कुछ तो चीजें मिस कर जाते हैं प्रोबेबली। वो माइनर देखो ना, छोटी छोटी गलतियां बाज अवकात लोग कवर कर जाते हैं ठीक है, फिर अगर इसके अलावा भी गलतियां होती तो फिर बिल्कुल रिजेक्ट हो जाता। हमने ख्याल करना है, आपने और मैंने ख्याल करना है, किसी ने नहीं भी किया तो हमें उससे गर्ज नहीं। अच्छा जी चलिए, मैं अभी इसको कंटिन्यू करता हूँ ताकि इसको हम थोड़ा सा आगे भी लेके चलें। अब ये हमारे पास जी डॉक्टर साहब, सलामकुम, आ गए हो? आ जाए आ जाए सर, कोई इशू नहीं, आ जाए। अच्छा जी ओके, सो लेट मी नाउ लिंक इट विद यू। ओके जी, सो इन दिस सिमिलर वे नाउ हमने क्या कहा जी कि हमारे पीरियोडिकल आर्टिकल्स भी जो है वो प्रॉपर तरीके से साइट होंगे। मैंने कहा था जी कि चैप्टर को आपने रेफर करना हो तो आप चैप्टर भी रेफर कर सकते हैं, तो एक मैंने यहाँ पे एक सैंपल उसके तौर पे भी लिख दिया कि जी चैप्टर का आपने रेफर करना है तो देखें ये चैप्टर का ऑथर है, उसका नाम, साल, चैप्टर का नाम और वो किस जगह पब्लिश हुआ है उस किताब में जो कि सिंह बी आर ने एडिट की हुई है, और फिर उसकी डिटेल आ गई उसी तरीके से जैसा थोड़ी देर पहले डिस्कस की। तो ये पूरा रेफरेंस हो गया अगर आपने चैप्टर तक जाके रेफर करना है। तो अगेन ये मैंने कोई इसको रट्टा नहीं लगाया हुआ, मैंने सिर्फ जाके देखा स्टैंडर्ड और वहां से चीजें मैंने एडजस्ट कर दी ठीक है। ये मैनुअली वैल्यूज इन हुई हुई है, अभी मैं आपको एक टूल दिखाऊंगा इफ यू हैव टाइम, के जी कुछ चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली भी पॉसिबल है, ऐसे टूल्स हैं जो कि ऑटोमेटिकली आपके काम को कर देते हैं। लेट मी टेस्ट, इसी तरह से यहाँ पे आपको इवन सेक्शन तक आप जा सकते हैं। देखो सेक्शन की बात भी हुई हुई है कि सेक्शन नंबर भी आप मेंशन कर सकते हैं, और कुछ ऑडिटीज अगेन हो सकती हैं, लाइक आपको कोई एडिटर का नाम नहीं मिलता, आपको लगता है जी इसको मुझे समझ नहीं आ रही कि इसका एडिटर एक है दो है या है ही नहीं, तो उस केस में आप फिर जहाँ एडिटर का साइन लगना होता है ईडी, वहां पर आप लिख देते हैं वेरियस एडिटर्स, या अगर ऑथर नहीं है तो वेरियस ऑथर्स लिख देते हैं, वेरियस एडिटर्स या वेरियस ऑथर्स। डॉक्टर साहब अगेन याद नहीं करना है आप ठीक है, मुझे लग रहा है आप चीजें याद करने के चक्कर, तो आपने ये सिर्फ रेफरेंस स्टैंडर्ड को जाके देखना है कि वो मुझे बताएगा कि मैंने इधर क्या करना है। ठीक है जी, ये मैंने लिखा हुआ है कि जब आपके पास ऑथर्स के नाम नहीं है तो आप वेरियस ऑथर्स लिख देंगे वहां पे जहाँ ऑथर की जगह होती है, पहले ऑथर की जगह ही होती है ना, लाइक ये अगर स्टैंडर्ड में हम जाते हैं तो देखेंगे ये ऑथर का नाम है, अगर से ये नाम नहीं मिला फॉर एग्जाम्पल चैप्टर के ऊपर नाम ही नहीं लिखा हुआ तो मैं यहाँ लिख दूंगा वेरियस ऑथर्स, वेरियस ऑथर्स, बट लिखूंगा जरूर, ब्लैंक नहीं छोड़ूंगा, ब्लैंक नहीं छोड़ूंगा ठीक है। ब्लैंक छोड़ना मीन्स मैंने स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया। सिमिलरली अगर एडिटर का नाम नहीं पता, सिंह बी आर का नहीं पता नाम मुझे, बट होगा तो कोई ना कोई है तो सही ना, तो वेरियस एडिटर्स लिख देंगे लिखना आसूर। अगर मैं आपको अपनी बात दोबारा समझा पाऊं तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्टैंडर्ड को जाके देखना है आपने, और जो स्टैंडर्ड कह रहा है वैसा फॉलो करना है, अपना दिमाग यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, जी, चीजें फिल करना ठीक है ओके। आपने कोई पैम्फलेट रेफर करना है, अगेन ये एक मैंने सैंपल के तौर पे लिखा है, कोई पैम्फलेट कहीं से यूनिवर्सिटी में एक आ गया पैम्फलेट और आपने वो अपने पेपर में रिसर्च पेपर में मेंशन करना है, तो पैम्फलेट भी आप मेंशन कर सकते हो, स्टैंडर्ड पता हुआ उसका बताया हुआ। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या है जी कि ये जिस
कन्वेंशन क्या है, इज टू ट्रीट द रिपोर्ट एज इफ इट वर एन ऑथर्ड बुक बट टू रिप्लेस द ऑथर्स नेम विद द नेम ऑफ कमीशनिंग बॉडी। से यूनिवर्सिटी अबासीन यूनिवर्सिटी जो है वो एक पैम्फलेट को अख्तियार करने जा रही है और उसको आप रेफर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा अबासीन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस 2024 में उसने उसको अख्तियार किया है और उसका नाम था रीजनल ट्रेंड्स नंबर 22, 22वां वो पैम्फलेट था और वो पब्लिश हुआ है इस्लामाबाद में और से उसको इशू किया CDA ने, HMSO इज दैट इशूइंग अथॉरिटी। तो ये तरीका पता चल रहा है कि एक ये तरीका या एक ऐसी चीज भी रेफर हो सकती है जो कि शायद हमारे ताल्लुक उससे नहीं है लेकिन बाज़ औक़ात लोग काम करते हैं कि किसी पैम्फलेट को रेफर करना है तो उसका तरीका भी स्टैंडर्ड ने बताया हुआ। मेरा पॉइंट अगेन हाईलाइट करने का मकसद यहाँ पे ये है कि स्टैंडर्ड आपको इस हद तक चीजें बताता है कि क्या क्या रेफर कर सकते हैं, तो हर वो चीज जो कि एक रिसर्चर फॉलो कर सकता है और उसको रेफरेंस देना चाह रहा है स्टैंडर्ड आपको बताएगा। आपकी जॉब क्या है एज अ रिसर्चर, डू नॉट यूज योर ब्रेन, गो एंड सी दी स्टैंडर्ड एंड एवरीथिंग इज नाउ ऑनलाइन, यू कैन ओपन दी बुक, उसका मैनुअल खोल सकते हैं आप, वो आपको बता देगा, जाके सर्च करें, यार ये तरीका है, सर्च हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी पैम्फलेट रिपोर्ट्स का एक मैंने सैंपल के तौर पर डाला हुआ है कि ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इख्तियार कर रही है एक पर्टिकुलर पैम्फलेट को, उसका नाम ये है, जगह ये है और इसने इशू किया है। तो दिस इज हाउ पैम्फलेट्स आर। आप फिल्म्स को, वीडियोस को, टेप्स को, सीडीज को रेफर करना चाहते हैं, आपने कोई फिल्म देखी है, ऐसे आपने अमेजिंग स्पाइडरमैन देखी है, मूवी देखी है, साइट करना चाह रहे हैं, ऐसे कोई चीज आपको अकल की समझ आई है तो आप उसको साइट कर सकते हैं। आप फिल्म का नाम लिखेंगे जिस साल में आई है उसके प्रोड्यूसर या डायरेक्टर का नाम फॉलो हो जाएगा, तो जिसने सर्च करना है वो उसको उस पता चल जाएगा कि ये हाँ जगह पे चीज आई है। ये रेफरेंस है आखिर वाला, फुल टेक्स्ट रेफरेंस है। इन टेक्स्ट में तो आप सिंपल लिखेंगे प्रोड्यूसर का नाम, साल, मार्क वेब ब्रैकेट में 2012, या रेफरेंस दे देंगे 1-2 अगर IEEE स्टाइल फॉलो करें। इन टेक्स्ट में डिटेल रेफरेंस ये होगा, जिसने जाके देखना है वो जब देखेगा उसको वहां पे इसे देख के पता चल जाएगा यार ये कोई फिल्म है या वीडियो है जिसकी ये रेफरेंस इसने दिया हो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और स्पेसिफिक रेफरेंसेस मैंने डाले हुए हैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, जो भी रिजवाना ने सवाल किया था कि देखिए अब आपके पास ये लेफ्ट साइड पे है इन टेक्स्ट रेफरेंस और राइट साइड पे है डिटेल्ड रेफरेंस, ठीक है, विजिबल है इजाज़। तो देखिए अब इधर लेफ्ट साइड पे आप देखते हो तो सिंगल ऑथर जो है स्टेटमेंट है जॉन्स 1998 ने दिए, ऑथर डेट सिस्टम, अगर ये ऑथर डेट ना होता तो यहाँ नंबर लिखा होता 1-2, ऐसे ही है जहूर साहब, अलाइन है सारे मेरे साथ या रोजा शोजा तो नहीं लग रहा? ओके, सो लेफ्ट साइड पे अगर आप देखोगे देखो ये दो सैंपल दिए हुए 1998 में जोन्स ने लिखा है या ये रियान ने 2006 में लिखा है, ये इन टेक्स्ट बात किसी ने कर दी, उसका डिटेल रेफरेंस राइट साइड पे देखें, वो पहला रेफरेंस एक किताब का है और दूसरा जो है वो एक जर्नल आर्टिकल है एज पर स्टैंडर्ड, वहां डिटेल के साथ वो मेंशन हो गया। नीचे आते हैं अगर दो ऑथर्स हो एक आर्टिकल के तो आप फिर इन टेक्स्ट दोनों को मेंशन करते हैं, अगर दो है सिर्फ तो दोनों को मेंशन करते हैं, अगर दो है तो दोनों को मेंशन करते हैं रिपीट, और वहां पे उसकी डिटेल है एज पर स्टैंडर्ड, ठीक है, और वो भी अगेन एक किताब के बारे में रेफरेंस है, नजर आ रहा है ना? नहीं, दो ऑथर तो एक ही पेपर में लिखेंगे ना, एक ही ऑथर, एक ही पेपर है, दो ऑथर्स ने लिखा है तो वो एक ही साल में लिखा होगा। आपके पेपर में कितने ऑथर्स हैं, कितने हैं? नहीं पढ़े ना, देखिए आप, मैं कोई नजूमी नहीं हूं कि मैं आपके पेपर इधर से देख के बता सकूं कि कितने ऑथर थे उसके, बाज एक में 6-7 भी होते हैं, बाज एक में कम भी होते हैं ना, आप अगर सिर्फ दो हैं, दो है सिर्फ, तो फिर दोनों के नाम आपको लिखने चाहिए, ये सिर्फ ये बताया जा रहा है, स्टैंडर्ड ये कहता है। वो फिर पेपर अलग है ना, देखिए वो अलग रेफरेंस अलग, एक ही टाइटल से दो पेपर कैसे हो सकते हैं, दोनों के टाइटल फर्क होंगे, अगर दो पेपर हैं तो दोनों के टाइटल फर्क होंगे। हाँ इसके
मैं ये कह रहा हूँ कि एक ही पेपर है, उसके दो ऑथर्स हैं, तो उसको रेफर करने का तरीका ये होता है। एक ही पेपर है, उसके दो ऑथर्स हैं, ये तरीका इन टेक्स्ट का है। और वो देखें, ये किताब थी जो कि दो ऑथर्स ने लिखी हुई थी, उसका रेफरेंस डिटेल्ड राइट साइड पे, लेकिन इन टेक्स्ट पे दोनों के नाम लिखे जाएंगे। हाँ, जैसे ही मोर देन टू ऑथर्स होते हैं, अभी आपने सवाल ये किया था एटल लिखा होता है जी, आपने कहा था ना, तो जब भी आपके ऑथर्स दो से बढ़ते हैं तो इन टेक्स्ट में आप ये लफ्ज यूज करते हैं फर्स्ट ऑथर के साथ, मर्फी एटल। इसका मतलब होता है मर्फी एंड अदर्स, मर्फी एंड अदर को वर्कर्स, मर्फी एंड अदर रिसर्चर्स, मर्फी एंड अदर को ऑथर्स वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन आखिर में पूरा रेफरेंस होता है, वहां एटल नहीं है। वहां देखिए, पहला ऑथर, दूसरा ऑथर, तीसरा ऑथर, तीनों ऑथर्स के नाम लिखे हुए हैं। पहले का नाम है मर्फी, दूसरे का नाम है बॉयड, तीसरे का नाम है स्मिथ। ठीक है रफी साहब, समझ आ रही है जी? मानूर अब्बासी एतराज कौन एतराज करेगा? फर्स्ट ऑथर ये भाई है, इसका रोल ज्यादा है। तो उसने ना, तो अगर उनका अगर रोल होता, इनको एतराज उस वक्त बनता है जब ये इधर इधर होते। अदरवाइज मर्फी का काम है, उसका काम पहले है। हो सकता है लिखना ही, ठीक है, तो तो ये आप लोगों को ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि फर्स्ट ऑथर के साथ एटल आ जाएगा अगर दो से ज्यादा ऑथर्स हो। इन टेक्स्ट की बात हो रही है, अगेन मैं देखें मिक्स नहीं करना, इन टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। इन टेक्स्ट के बाद वो स्टेटमेंट है जो कि आपने उस किताब से ली हुई है, तो वो डिटेल यहाँ लिखी हुई है आपने, जो आपको अपने इंट्रोडक्शन सेक्शन में लिटरेचर रिव्यू में नजर आ रहा है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, सो मोर देन टू ऑथर्स, कोई सवाल है? पक्की बात है, किताब आपने देख ली अभी, किताब ही थी या जनरल आर्टिकल था वो? आर्टिकल, चले ठीक हो गया। ओके, अगर दो ऑथर्स हैं सेम सर नेम के साथ हैं, अब देखो ये मैं सिर्फ इसलिए एग्जाम्पल्स कोट कर रहा हूँ कि किस डिटेल में आपको स्टैंडर्ड रेफरेंसिंग देना सिखा रहा होता है। दोनों का नाम में आ रहा है जी शफी, एक है इमरान शफी, एक है नुमान शफी, ठीक है। तो आप सेकंड नेम फर्स्ट करते हैं ना, तो अगर ऐसा है कि नाम सेम है तो फिर आप पूरा नाम लिखते हैं इन टेक्स्ट में। देखिए इसने लिखा है ब्लैक कॉमा के, ब्लैक कॉमा आर। अगर आपके सेकंड नेम या सर नेम सेम है तो फिर आप पूरा नाम लिखेंगे, ताकि किसी को डाउट ना हो कि ये कौन हो सकता है अगर नाम रिपीट हो रहा है। और वो डिटेल उसका रेफरेंस है, ब्लैक के की 2005 की किताब है और ब्लैक आर की 2005 की किताब है, उसका नाम चेंज है, दोनों किताबें डिफरेंट है। अगर मैं सिर्फ इधर इन टेक्स्ट में ब्लैक ही लिख देता तो फिर लोगों को कंफ्यूजन रहती कि किस ब्लैक पे जाना है मैंने, 2000 ये ब्लैक के पे जाना है या ब्लैक आर पे जाना है, दोनों किताबें डिफरेंट है, नाम सेम है, तो उस केस में इन टेक्स्ट में पूरा नाम लिख दिया जाता है। ये बात समझ आई है? जी नीचे आ जाए, देखिए सिंगल ऑथर है, दो से ज्यादा पब्लिकेशन है एक ही साल के अंदर, तो उस केस में आप ये ग्रीन भाई हैं, उनके दो पेपर्स हैं, ठीक है, और एक ही साल में दो पेपर हैं, लेकिन पेपर डिफरेंट है, तो फिर साइड करते हुए ए बी आ जाता एबी है। आप कहीं और लिखना चाह रहे हैं? क्योंकि उसका देखिए ये तो मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया टाइटल सर, ये मैंने नहीं किया ना, ये तो स्टैंडर्ड ने मुझे बताया कि आप इस तरीके से ए बी रेफर कर दें, अगर सी होगा तो सी रेफर कर दें, आगे चलता जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड बता रहा है कि ये इन टेक्स्ट रेफर कर देंगे अगर सेम नाम है। डॉक्टर साहब आगे बस थोड़ी देर में उनको आप बुला लेते, 5 मिनट, ठीक है जी, बात समझ आ रही है? तो ये इस तरह से सेम नेम ऑथर्स को रेफर कर सकते हैं, अगर एक ही बंदे ने पेपर लिखे हैं लगातार, चाहे 6 पेपर उसके आ गए ना एक ही साल में, और सारे के सारे पेपर आप रेफर करना चाह रहे हो, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच तक जाएंगे, अंदर इन टेक्स्ट में भी वो चीज लिख लेंगे। देखो इसको इससे लिंक होना होता है ना, आपने इसको इससे लिंक करना होता है ढूंढते हुए, तो अगर ये प्रॉपर उससे लिंक नहीं हो पाएगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो उस कन्फ्यूजन को खत्म करने के लिए ये सारी चीजें इख्तियार की जाती है। ओके जी, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक ही ऑथर है इस केस के अंदर, उसकी दो या ज्यादा पब्लिकेशन है जो कि सेम ईयर के अंदर आ रही है, लाइक देखिए वहां पे आपके पास 2006 अल्फा भी ग्रीन के की है और 2006 बीटा भी ग्रीन के की है, और उसको आपने एक साथ रेफर करना है, तो एक साथ रेफर करने का तरीका ये है। वो था अलग अलग,
पहले इंट्रोडक्शन में रेफर कर दिया, फिर कहीं लिटरेचर रिव्यू में रेफर कर दिया, तो अलग अलग आ गया। अगर एक साथ करना है तो आप ए कॉमा बी करके रेफर कर सकते हैं। ये बुक रेफर करने का तरीका है, अगेन एडिटेड बुक जो हमने थोड़ी देर पहले आपको बताई मैंने, कि ये इस तरह से आप मेंशन करेंगे इन टेक्स्ट, यहाँ एडिटर लिखा नहीं आएगा लेकिन वहां लिखा हुआ आएगा, इन टेक्स्ट में नहीं आएगा, बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस में आएगा। कोई कॉन्फ्रेंस पेपर रेफर करना है तो अगेन ऑथर के नाम के साथ रेफर होगा और वहां डिटेल आ जाएगी, वहां देखें लिखा हुआ प्रोसीडिंग, जिस प्रोसीडिंग में पब्लिश हुई है, जिस साल में ये कॉन्फ्रेंस हुई है, जिस शहर में, जिस मुल्क में हुई है, वो सारा नाम वहां पे लिखा हुआ। ये थीसिस भी रेफर अगर आप करना चाहें तो थीसिस रेफर करने का तरीका भी है। पॉइंट ये है, अच्छा आगे भी चले, इंटरनेट रेफरेंस से कोई आपने वेब पेज रेफर किया, कोई वेब पेज रेफर करना चाह रहे हैं, तो उसका तरीका भी स्टैंडर्ड बताता है आपको कि ये वेब पेज इस बंदे ने क्रिएट किया, इस साल में क्रिएट किया, वेब पेज का नाम ये है और ये इसका एचटीटीपी एड्रेस है और ये एक्सेस किया गया है इस तारीख, कंप्लीट प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया। इसमें एक्सेस डेट इसलिए डाली जाती है कि वेब पेजेस चेंज हो रहे होते हैं, इसलिए ये चीज इंडिकेट करने के लिए कि मैंने जब इसको एक्सेस किया था, जो कंटेंट मैंने लिया है वो इस तारीख को लिया था, बाद में चेंज हो गया, अगर हो गया तो मैं उसे उससे कर्ज नहीं मिले, ठीक है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप रेफरेंसिंग देते हुए मैं और आप, अब मैं ये आपको समझ आ गई चीज है कि स्टैंडर्ड होते हैं जी, कट शॉर्ट में आपको समरी बता दूं, स्टैंडर्ड होते हैं, स्टैंडर्ड कोई एक स्टैंडर्ड के सब सब कॉपीज भी हैं या सब टाइप्स भी हैं, हमने किसी एक को फॉलो करना होता है। फॉलो करने का तरीका ये है कि मैं अपनी आंखें कान खुली रखूं, मैनुअल को जाके सर्च करूं और अकॉर्डिंगली वहां से अपने काम को रेफर करना शुरू कर दूं। दिस इज माई, मुझे ये चीज एहतियात करनी है बस, अगर ये मुझे पता है तो मैं जाके देख सकता हूँ। अभी तक आपको नहीं पता था तो आपने कभी नहीं सोचा था, आज आपको पता चल गया तो अब आप सोचेंगे, ठीक है। तो इस पर्सपेक्टिव से आपने इसको देखना है। अब हम जब रेफर करते हैं मैं और आप, तो हमारी जो चीजें रेफर होंगी मोस्टली, हम तीन चीजें रेफर कर रहे होंगे, एक हम किताब रेफर कर रहे होंगे आप और मैं जो हम लिख रहे हैं, एक हम जर्नल पेपर्स रेफर कर रहे होंगे, ठीक है, और एक हम कॉन्फ्रेंस पेपर्स रेफर कर रहे हैं। वेब पेजेस रेफर करने मुनासिब नहीं समझे जाते, ठीक है, बजाय वेब पेज के आप जब वेब पेज भी खोलते, लाइक विकिपीडिया भी अगर आप खोलोगे तो एंड पे उसने रेफरेंस दिए होते, तो अगर आपने विकिपीडिया की कोई चीज रेफर करनी है तो स्टिल यू कैन गो एट द एंड ऑफ द रेफरेंसेस और वहां देखेंगे तो कोई जर्नल पेपर या कॉन्फ्रेंस पेपर ही होगा जो कि विकिपीडिया ने एक्सप्लेन किया हुआ होगा, तो आप अगेन रेफर उसको करें। तो मुझे और आपको मोटे तौर पे तीन चीजें रेफर करनी चाहिए, बुक्स, जर्नल पेपर्स, कॉन्फ्रेंस पेपर्स, नथिंग एल्स, बाकी अवॉइड करें। गिविंग अ, अगेन आई एम रिपीटिंग, गिविंग अ वेब पेज इज नॉट अ गुड रेफरेंस, इट मीन्स यू आर, क्योंकि देखिए खुद ही सोचे ना, वेब पेज इज नॉट ऑथेंटिक, वो वेरी करता रहता है, तो आप उसको रेफर करेंगे तो पढ़ने वाला जो आपका रिव्यूअर है वो कहेगा यार ये तो कोई क्वालिटी चीजें नहीं पढ़ रहा। क्वालिटी चीजें यही है जो अभी हमने बात की, जिसके बारे में हम पिछले 2-3 हफ्तों से बातें भी कर रहे हैं, इसलिए उनको ही रेफर किया जाए, ठीक है जी। अच्छा ये अगर आप, आपको समझ आ गई है तो मेरी रिक्वेस्ट ही होगी आपसे, अब आपने अपने 5 से 10 पेपर्स तो रेफर किए हुए ना, निकाले हुए हैं, तो अपनी प्रेजेंटेशन स्लाइड के अंदर ही उनकी रेफरेंसिंग स्टाइल को ठीक कर लीजिए, और जब भी हम नेक्स्ट टाइम प्रेजेंट करें तो उसको उन कंप्लीट डिटेल्स के साथ शो करें। लिटरेचर रिव्यू में आपसे लिखवाऊंगा वो आज नहीं, क्योंकि मैंने एक टूल आपको सिखाना है, वो टूल का भी इसलिए टाइम नहीं क्योंकि आज एक अभी हमने प्लान किया हुआ एक थीसिस डिफेंस, हम वो सुनते हैं, और अगर उसके बाद टाइम हुआ तो फिर मैं आपको टूल भी सिखा दूंगा और फिर मैं आपसे लिटरेचर रिव्यू लिखवाऊंगा एक शॉर्ट्स आपके अपने काम के ऊपर, ठीक है। सो विद दैट बैकग्राउंड, अभी जो मैंने आपको टास्किंग की है वो क्या की है मालूम, उसको स्टैंडर्ड के मुताबिक उसको कन्वर्ट कर ले एज पर योर कंफर्ट, या तो वो होगा ऑथर डेट या वो होगा, ठीक हो गया जी। तो अभी आप बेशक 5 मिनट ब्रेक कर लीजिए एंड देन कम बैक, वील हैव अ थीसिस डिफेंस, सुने उनको ताकि थोड़ा सा आइडिया, मिड के पे आप आए ना आप, क्योंकि जैसे एग्जाम खत्म, ये खत्म होता है तो फिर मैं आपको मिड टर्म एग्जाम बता देता हूँ, मिड टर्म एग्जाम के बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, कोई क्वेश्चन जी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स का है तो आप पूछ सकते हैं बस।
नवाजिश नजीर, कोई सवाल है कि ठीक है कोई सर, काम? सर ठीक है, थैंक यू वेरी मच चले ओके जी, अभी हम सर, डिफेंस कर रहे हैं, थैंक यू। ठीक है डिफेंस हम कर रहे हैं, वो हम ऑनलाइन लेंगे, आप उनको सुनना चाहें तो सुने, सवाल जवाब भी सुने। थैंक यस सर, इंशाल्लाह सर, ठीक हो गया सर, थैंक यू, आपकी यू मर्जी सर। है मैडम, मैं आपको भी क्या कह सकता, योर चॉइस, नहीं आपकी मर्जी है ना। देखिए मैंने तो आपको कहा कि अभी सर ये करेंगे, थीसिस डिफेंस देखेंगे, और वो भी एक लर्निंग है, आनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, फिर हम मिड टर्म के बारे में बात करेंगे, अगर आप जाना चाहती हैं तो चले जाए, मैंने तो आपको आने का भी नहीं कहा, भी तो खुद ही है, तो आप क्लास में यही चीजें, मतलब प्रोबेबिलिटी यही है कि डिफेंस का मतलब इतनी देर होता है कि हमारा टाइम पूरा हो जाएगा, तो मैं मिड टर्म के बारे में बात करूँ, ठीक है? हाँ जी बुला नंबर कहाँ नंबर लिखा हुआ, पेज नंबर, पेज पेज नंबर, 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 पेज नंब